हेलो फ्रेंड्स, अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस डेंसिटी ऑफ 0.07 कूलम सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज टू 0.084 कूलम सेंटीमीटर का पावर -2। फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। हमें फाइंड करने हैं कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल है। आगे पिछले वाले प्रॉब्लम्स की तरह इस वे भी स्फेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है आपका, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो मैंने पहले मान लेना है सिग्मा आई। सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू आई डिवाइड बाय ए। ओके, यहां पे सिग्मा आई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको सिग्मा आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.07 कूलम सेंटीमीटर का पावर -2। तो यहां से हमने क्या करना है, ये हो गया 0.07 ओके कूलम सेंटीमीटर का पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू आई डिवाइड बाय ए। क्लियर, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इस चार्ज को 4.4 कूलम से इंक्रीज कर देते हैं, इस चार्ज को अगर 4.4 कूलम से इंक्रीज कर देते हैं तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतनी से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतने से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाता है, बट एरिया आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे नया न्यू इसको मैं एफ ले लेता हूं, तो सिग्मा एफ आपका क्वेश्चन में ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आई प्लस 4.4 डिवाइड बाय एरिया। क्लियर, यहां पे सिग्मा एफ की वैल्यू यहां से हम लिख देते हैं कितना है, 0.084 कूलम सेंटीमीटर का पावर -2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, क्यू आई प्लस 4.4 डिवाइड बाय ए। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ क्या करूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, और ऐसा करता हूं मैं इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.084 डिवाइड बाय 0.07 इज इक्वल टू क्यू आई प्लस 4.4 डिवाइड बाय ए इंटू ए डिवाइड बाय क्यू आई। ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, क्यू आई कितना, क्यू आई तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं और 4.4 डिवाइड बाय क्यू आई लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू होगी 0.084 डिवाइड बाय 0.07। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 0.084 डिवाइड बाय 0.07 तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.2। तो हमने यहां लिख लेना है 1.2 और ये वाला -1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, 4.4 डिवाइड बाय क्यू आर। यानी यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.2 इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाय क्यू आर। क्लियर, चलिए अब हम इधर आते हैं, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्यू आई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, 0.4 डिवाइड बाय 0.2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 22 कूलम। ओके, देयरफॉर दिस इज योर फर्स्ट आंसर, qi इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज इनिशियल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज कितनी हो जाएगी, 22 कूलम। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज तो आपने निकाल लिया, अब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू, इनिशियल चार्ज आपको पता चल गया और इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए, इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करने पड़ेंगे, इनिशियल कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करने पड़ेंगे, हम उसको देखते हैं। ठीक है, चार्ज पता है, आपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, कैसा है स्फेरिकल, सॉरी कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल है। तो आप जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए, छोड़ो मैं इस फार्मूला का यूज नहीं करूंगा। मैं मुझे चार्ज पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट
ये है स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। इसका सेंटर यहां से यहां मान लेते हैं कितना है, आर है, ओके। इसकी डिस्टेंस यहां से क्या हो गए, आर हो गए, क्लियर। अब इस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस पे ऑलरेडी क्या है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लियर, ठीक है। तो इस पे पोटेंशियल क्या होगा, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, इसीलिए स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल सरफेस पे भी इक्वल नहीं होंगे, 1/4πε0 चार्ज इस पे कितने हैं, qi डिवाइड बाय डिस्टेंस इसका कितना है सेंटर से r, ये हो गया इसका पोटेंशियल। आपको चार्ज पता है, आपको पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, qi डिवाइड बाय v, qi की जगह पे आप क्या लिखिएगा, qi लिखिएगा, डिवाइड बाय v, v की जगह पे आप क्या लिखिएगा, qi into, ये सारा वैल्यू ऊपर चला जाएगा, कितना रहेंगे, 4πε0 into r, 4πε0 into r, qi से qi कैंसिल हो गया, ये qi से qi कैंसिल हो गया, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4πε0 r ε0 into r, ठीक है। यहाँ पे हमें c की वैल्यू कितनी आ गई, 4πε0 r, इसको मैंने मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब आपको 4πε0 की वैल्यू तो पता है, लेकिन r की वैल्यू पता नहीं है, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना निकला हमारा, 22 कूलम, ओके। हम जानते हैं इनिशियली सिग्मा इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा r की वैल्यू कितनी थी, 0.07, और ये इक्वल टू कितना होता है, qi डिवाइड बाय एरिया, एरिया को स्फेरिकल कंडक्टर है तो 4πr² लिख सकते हैं। तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 4 r की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 0.07 इनटू 4π, ओके। इस सब वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू आती है 5.01001 इज सिमिलर टू, इसको हम 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5×10⁻²⁻ इस r की वैल्यू को मैंने यहां पे पुट करना है, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 4πε0×5×10⁻²। अब आप इसमें 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854×10⁻²×5×10⁻², इन सब वैल्यू को पुट करने पर आपको आंसर्स आ जाते हैं, This is your second answer. Okay? Thank you very much.